हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करिए जोधपुर ब्लॉग चैनल को और क्लिक करें इस बेल आइकन पर। ये दोनों एक दूसरे को क्या प्रॉमिस कर रहे होंगे? मैं वचन देता हूँ कि महीने के 15 दिन खाना मैं बनाऊंगा। विराट और अनुष्का की लव स्टोरी एक मॉडर्न फेरी टेल की तरह है। दोनों ने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा और सबसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट किया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। इस वीडियो में हम आपको विराट और अनुष्का की लव स्टोरी से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर वन, कहा जाता है कि विराट और अनुष्का एक शैम्पू के कमर्शियल के दौरान मिले और वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। पर ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि अनुष्का और विराट की मुलाकात रणवीर सिंह की वजह से हुई थी। रणवीर ने ही दोनों को एक पार्टी में इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद ही दोनों को शैम्पू कमर्शियल के लिए साइन किया गया था। नंबर टू, जब विराट नए लाइमलाइट में आए थे तो उनके काफी अफेयर्स के बारे में सुनने को मिलता था और उनके एटीट्यूड की वजह से उन्हें टीम से भी ड्रॉप किया गया था। ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में विराट ने बताया कि अनुष्का के लाइफ में आते ही वो बहुत डिसिप्लिन्ड हो गए हैं। अनुष्का ही थी जिन्होंने उन्हें रियलाइज करवाया कि उनकी रियल वर्थ क्या है। शायद इसीलिए विराट अनुष्का को अपना लेडी लक मानते हैं। नंबर थ्री, 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी तो उस मैच में कोहली जल्दी आउट हो गए थे और इस चीज का सारा क्रिटिसिज्म अनुष्का पे गया, क्योंकि कुछ न्यूज चैनल्स का मानना था कि अनुष्का विराट के लिए बैड लक है। इस बात को इतना सेंसेशनलाइज किया गया कि लोग विराट और अनुष्का के ट्रोल्स बनाने लगे और बिना किसी लॉजिक के डिबेट शुरू हो गई। फिर विराट जब ऑस्ट्रेलिया से वापस इंडिया आए तो सबने देखा कैसे उन्होंने अनुष्का का हाथ पकड़ा हुआ था और बिना किसी मीडिया पर्सन की तरफ देखे वो वहां से चले गए। इस जेस्चर से सबको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला कि दोनों एक साथ बहुत कंपेटिबल हैं। नंबर फोर, जब 2016 में दोनों के ब्रेकअप की खबर आई तो विराट उस वक्त T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे और काफी अच्छे फॉर्म में थे, पर इस चीज को भी सेंसेशनलाइज किया गया क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि अनुष्का के ब्रेकअप करने के बाद ही विराट कोहली फॉर्म में आ गए। इस बात से विराट बहुत फ्रस्ट्रेटेड हुए और उन्होंने एक दिन सोशल मीडिया पे अनुष्का के सपोर्ट में ये लिखा, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अनुष्का के अगेंस्ट नेगेटिव बातें करते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे क्रिकेट से अनुष्का का क्या लेना है। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया है बेटर क्रिकेट खेलने के लिए। जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि कभी उनकी सिस्टर्स, गर्लफ्रेंड या वाइफ का ऐसे कोई पब्लिकली मजाक उड़ाए तो उन्हें कैसा लगेगा। नंबर फाइव, 2015 में IPL मैच के दौरान बैंगलोर के चिन्नस्वामी स्टेडियम में होने वाला मैच बारिश के कारण रुक गया था, तो विराट को अनुष्का से बात करते हुए स्पॉट किया गया। इसी वजह से एक कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई, क्योंकि मैच के दौरान कोई भी क्रिकेटर किसी आउटसाइडर से नहीं मिल सकता, तो इस वजह से विराट कोहली को ऑफिशियली माफी मांगनी पड़ी और फाइन भी भरना पड़ा। नंबर सिक्स, विराट के पूरे करियर में उनका सबसे मुश्किल टूर रहा है 2014 की इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। वहां विराट 5 टेस्ट मैचेस में 150 रन भी नहीं बना पाए। उस वक्त विराट बहुत स्ट्रेस्ड आउट थे और ये चीज उनकी बैटिंग में साफ दिख रही थी। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद अनुष्का विराट से मिलने आई और विराट का मानना है कि वो उनके करियर का बहुत ही टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अगर अनुष्का ना होती तो मैं उस टूर पर और स्ट्रगल करता। फिर उसके बाद वनडे सीरीज में उन्होंने सेंचुरी लगाई और अगली टेस्ट सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ थी उस सीरीज में विराट ने 4 सेंचुरीज अपने नाम की। नंबर सेवन, 2014 की IPL सेरेमनी के दौरान जब शाहरुख होस्टिंग करते हुए यंग क्रिकेटर्स का मजाक में स्वयंवर करवा रहे थे तो जब विराट की बारी आई तो उनसे पूछा गया कि आप किस एक्ट्रेस के साथ शादी करना चाहेंगे, तो उनका जवाब ऑब्वियसली अनुष्का शर्मा ही था और ये मोमेंट IPL सेरेमनी की सबसे सेलिब्रेटेड मोमेंट रही। नंबर एट, जहीर खान विराट के करीब हैं और विराट उन्हें एज अ बिग ब्रदर मानते हैं। जहीर ही वो इंसान थे जिन्होंने विराट को रिलेशनशिप एडवाइस दी थी कि उन्हें अपनी रिलेशनशिप को छुपाना नहीं चाहिए और इसी एडवाइस की वजह से विराट अनुष्का का रिलेशनशिप पब्लिकली ओपन था और ना ही कभी उन्होंने एक दूसरे के बारे में ज्यादा बात की, पर कभी डिसएग्री भी नहीं किया। नंबर नाइन,
विराट और अनुष्का की वेडिंग से पहले ही रूमर्स स्प्रेड हो चुके थे कि दोनों इटली में शादी करने वाले हैं, क्योंकि अनुष्का ने भी अपनी फिल्म शूटिंग से 2 वीक्स का ऑफ ले लिया था और विराट को भी 2 क्रिकेट सीरीज के लिए रेस्ट पे भेज दिया गया था। इस बात की कंफर्मेशन तब हुई जब दोनों को अपनी फैमिली के साथ इटली की फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पे स्पॉट किया गया और वही हुआ। दोनों ने 11 दिसंबर को इटली में शादी कर ली और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि वहाँ कोई भी मीडिया पर्सन अलाउड नहीं था और दोनों ने सिर्फ अपने खास फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के बीच अपनी शादी की बात सीक्रेट रखी। नंबर 10, विराट अनुष्का की वेडिंग फोटोज जब ऑनलाइन रिलीज की गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि शायद ही कभी ऐसी वेडिंग फोटोज देखने को मिलती हैं जहां दोनों इक्वली ब्यूटीफुल एंड मेड फॉर ईच अदर लग रहे हों। पर उससे भी अच्छी बात यह है कि दोनों ने ये डिसाइड किया है कि उनकी मैरिज फोटोज ऑक्शन की जाएंगी और उसका पैसा चैरिटी में दिया जाएगा।